भारत और चीन अपने सीमा विवाद को सुलझाने वाले हैं। ये जो सीमा विवाद है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका इलाका है लद्दाख वाला इलाका, अक्साई चीन वाला इलाका, तो कल की जैसी खबर आ रही है कि भारत और चीन दोनों देश मिलकर अपनी सीमा विवाद को ख़त्म करने के लिए यहाँ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इस पर जो पहले वाली स्थिति थी 2020 वाली स्थिति को बहाल करेंगे। इससे क्या होता है कि चीन की जो सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी है, यानी धीरे धीरे क्षेत्रों को जो कट करते रहता है, उस पर चीन ने कहा है कि अब हम सहमत हो रहे हैं, वो काम नहीं करेंगे, अब 2020 वाली स्थिति यहाँ पर बहाल होगी। अगर भारत और चीन के रिश्ते सुधरते हैं तो कहीं ना कहीं यूरोपियन देश और अमेरिका जैसे जो देश है वो घबरा जाते हैं। अब यहाँ स्थिति ये हो रही है कि एक त्रिगुट बन रहा है, भारत चीन रूस का, तो रूस की मदद से ही चीन और भारत ये समझौता करने में सफल हो रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि आज 16वां वार्षिक सम्मेलन होने वाला है रूस में ब्रिक्स का। तो ये जो ब्रिक्स का सम्मेलन है 22 से 24 अक्टूबर 2024 को ये रूस के कजान, ये देख सकते हैं ये जो बोल्गा नदी है, तो यहाँ एक शहर है कजान, तो यहाँ पे होने वाला है ब्रिक्स का सम्मेलन। तो ब्रिक्स में 5 देश हैं, आपको इनके देशों में ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है। और नए सदस्यों में 2024 से शामिल होने वाले हैं मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई, तो ये सब। अब ये जो देश हैं ब्रिक्स जो देश हैं, इनमें अब कहा जा रहा है कि डॉलर विमुद्रीकरण पर जोर रहेगा, यानी एक नई करेंसी हम लोग लाना चाहेंगे, डॉलर को हटाना चाहेंगे और एक ब्रिक्स पे लाया जाएगा, जिस तरह से फोन पे पेटीएम से हम लोग कितना आसान से पेमेंट कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड में अगर डॉलर हटता है और कोई नई करेंसी आती है तो कहीं ना कहीं पश्चिमी देश और यूरोप को बहुत भारी तगड़ा नुकसान होने की संभावना है, उनकी जो दादागिरी है वो भी टूट जाएगी। और स्वाभाविक सी बात है, भारत जिस पलड़े में रहेगा वो संगठन बहुत ही ज़्यादा सशक्त होगा, मजबूत होगा। तो ये जो चीन बन रहा है, रूस, चीन, भारत, ये बहुत आने वाले, अगर हम देखें तो 15 साल पहले 2009 में ब्रिक्स की जो स्थापना है येकेटरिनबर्ग रूस में ही हुआ था। तो ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है, विश्व के समस्त भूमि का 30% ब्रिक्स के पास है, 45% जनसंख्या यहाँ पे मौजूद है, वैश्विक जीडीपी का 27% है और यूरोप और अमेरिका का एक संगठन है G7, G7 का अल्टरनेट है, प्रतिद्वंदी है आपको ब्रिक्स, ये समिट है। तो कहीं ना कहीं अगर ब्रिक्स में डी डॉलराइजेशन वाली बात हुई तो मज़ा आ जाएगा भाइयों, एकदम। इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म पेमेंट प्लेटफॉर्म है वो स्विफ्ट से भी बेहतर होगी। भारत में फोन पे पेटीएम का बहुत सफल प्रयोग हो रहा है और भारत ने रूबल में जो इनसे तेल खरीदा है, सारा का सारा जो पेमेंट है, मुझे लग रहा है कि ये आपको फोन पे इसके माध्यम से ही दिया गया है। तो अब देखना होगा कि पश्चिमी देशों का जो डोमिनेंस है ना पूरे विश्व पे चलता है वो ख़त्म होगा, और वो ख़त्म होना भी चाहिए।